नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17, 18, 19 और 20 मई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। आठवीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। 17 तारीख को आप काफ़ी सख्त मिजाज व्यक्ति की तरह से होंगे। आप थोड़ा सा रूखा व्यवहार भी कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों से या परिवार वालों से, लेकिन इन सब के बावजूद, आपके रूखे व्यवहार के बावजूद, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बिना वजह किसी को परेशान ना करें और बिना वजह किसी को पनिशमेंट ना दें यानी सजा ना दें। अगर आपने इस दो बातों का ध्यान रखा और अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया तो इस पूरे दिन में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों का सम्मान आपको प्राप्त होगा। 18 मई के दिन आप अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को याद करेंगे, बीते हुए समय को ध्यान में रखेंगे और उस समय जो खुशियां आपको मिली उन खुशियों को एक सुखद एहसास की तरह से फील करेंगे। ये फीलिंग बहुत अच्छी है, इस फीलिंग के साथ आपको रहना भी चाहिए। जितना समय हो सके आप इस फीलिंग के साथ रहें और अपने दिन को शांति से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वर्तमान में जैसे ही आप दृष्टि डालेंगे आपका एक कंपैरिजन शुरू हो जाएगा पिछले समय से और वर्तमान से, जिसमें आपको पहले का समय ज़्यादा बेहतर नजर आएगा बजाय वर्तमान समय के। इसलिए कंपैरिजन करने की कोशिश ना करें। अगर दिमाग में पिछली बातें आती हैं तो उन्हें एंजॉय करें और जब पिछली बातें खत्म हो जाए तो वर्तमान को एंजॉय करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि पिछली गलतियों से सबक लेकर के वर्तमान में और भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराएं। 19 मई के दिन एक सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा आपके आय के साधन में वृद्धि होने की भी चांसेस बने हुए हैं। ऐसी संभावना है कि आप अपने आय को और ज़्यादा मजबूत व बढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई डील कर सकते हैं जिसके साथ डीलिंग करने में आप पहले हिचकिचा रहे थे, लेकिन सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि वह व्यक्ति आपका लाभ उठा सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उस व्यक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं। जी हाँ, स्वार्थ दोनों ओर से चल रहा है, इसलिए सोच समझकर और सावधानी से 19 तारीख को फैसला करिएगा। 20 मई के दिन आप हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी खड़े करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी वजह से कई लोग समस्याग्रस्त हो सकते हैं और कारण है आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट होना। आप जितना ज़्यादा पैशनेट होंगे समस्याएं उतनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके बचकाने रवैये से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कई बार कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने बचपने को सीमित रखें, संकुचित रखें और एक मैच्योर व्यक्ति की तरह से बिहेव करें। इस दिन भी आपके बचपने को उपयोग करके कोई आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए लोगों की सलाह व लोगों के प्रभाव में आने से खुद को बचाए रखें। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 17 और 20 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं हैं। 18 तारीख सामान्य है और 19 तारीख बहुत अच्छी तिथि है। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 17, 18, 19 और 20 मई के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।